हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सी आदित्य पांडे एंड आई एम अंकित सिंह चौहान। और आज हम अपनी स्टॉक मार्केट सीरीज में लाए एक नया एडिशन। आज हम आपको अवेयर कराएंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बहुत ही कॉमन टर्म से जो एक हर बिगिनर को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से और डिस्कस करते हैं आज के सारे की टर्म्स। तो जो पहला टर्म है वो है ट्रेंड, यानी कि मार्केट की चाल। तो मार्केट की चाल, यहाँ पे हमारे दो टर्म्स सामने निकल के आते हैं जिसे हम कॉमनली बहुत सुनते रहते हैं, बेरिश और बुलिश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मंदी और तेजी। तो ये टर्म्स आपके मार्केट में बहुत यूज होते हैं। तो बेरिश या मंदी कब यूज होता है? जब आपको लगता है या मार्केट में ये खबर होती है कि आज मार्केट नीचे जा रही है, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रही है, तब मार्केट में बेरिश ट्रेंड फॉलो होता है, यानी कि मंदी का दौर आता है। सिमिलरली बुलिश मार्केट कब कही जाती है, तेजी कब कही जाती है? जब मार्केट या किसी पर्टिकुलर स्टॉक कोई भी आपका अपवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है, तब जनरली जो ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो ये कहते हैं कि आज मार्केट में तेजी है या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी है, मार्केट बुलिश ट्रेंड फॉलो कर रही है। तो ये दो ट्रेंड है जो बेरिश और बुलिश के नाम से जाने जाते हैं अकॉर्डिंगली जैसे मार्केट मूव करती है। तो बात करते हैं हमारे अगले की टर्म की, जो कि एज अ बिगिनर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं तो इंट्राडे और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है। तो पहले बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे एज द नेम सजेस्ट, विद इन अ डे अगर आप कोई ट्रेड करते हैं और उसी को विद इन अ डे आप खत्म भी कर देते हैं, यानी कि या तो आप कोई शेयर परचेज कर रहे हैं फिर उसको सेम डे सेल कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा आप पहले कोई शेयर सेल कर रहे हैं फिर उसको परचेज कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सेलिंग को हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे, बहुत ही एक की टर्म है हमारा, टर्म है हमारे मार्केट का। और तो ये आपकी इंट्राडे में कहलाती है, यानी कि बाइंग और सेलिंग विद इन द सेम डे। ओके, अब डिलीवरी की बात करते हैं। डिलीवरी क्या होती है कि अगर आप कोई शेयर परचेस कर रहे हैं और उसको एक दिन से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, यानी कि अपने डीमैट अकाउंट में आपका एक्चुअली ट्रांसफर करा रहे हैं, तो वो आपकी डिलीवरी डेट हो जाती है। इसको आप जितना चाहें उतना होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आप विद इन एक साल या विद इन अ मंथ आपको बेचना है, कोई स्क्वायर ऑफ इसमें नहीं होता है। तो ये थे हमारे इंट्राडे और डिलीवरी बेस की छोटी सी अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में एक इलैबोरेटिव वर्जन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे इंट्राडे में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, डिलीवरी बेस ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, और बहुत आराम से इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला टर्म है जो हमारे पास, वो है लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन, यानी कि बिड और आस्क। ओके, तो लॉन्ग पोजिशन किसे कहते हैं? लॉन्ग पोजिशन जनरली वो पोजिशन होती है जहां पे आपको लगता है आज मार्केट अपवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रही है और आप बाय पोजिशन होल्ड करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करते हैं तो यानी कि उसका मतलब होता है आप लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको लगता है आज मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रही है, यानी कि अगर आप अभी बेचोगे और बाद में खरीदोगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा, तो उस पर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो, यानी कि सेल पोजीशन लेते हो। ये आपका डिलीवरी बेस में भी हो सकता है कि आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली है, लॉन्ग पोजीशन ले ली है। तो सिमिलरली लॉन्ग पोजीशन इज फॉर बाय एंड शॉर्ट पोजीशन इज फॉर सेल, और इसके जो रेट होते हैं उन्हीं को हम बिड आस्क रेट कहते हैं। बिड रेट वो रेट होता है जो एक बायर मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए पे करना चाह रहा है, तो वो लॉन्ग पोजीशन पे बिड रेट यूज होता है। सिमिलरली आस्क रेट होता है शॉर्ट पोजीशन पे, तो शॉर्ट पोजीशन पे जो मैक्सिमम सेलर एक मिनिमम प्राइस चार्ज कर सकता है आस्क रेट, तो वो आपका शॉर्ट पोजीशन पे होता है। आप ये हमेशा देखोगे कि बिड रेट से हमेशा आस्क रेट ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जो बायर पे करना चाह रहा है सेलर उससे ज्यादा ही हमेशा चार्ज करता है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की टर्म की। नेक्स्ट की टर्म हमारा है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ होता क्या है और वो कब कब मार्केट में यूज होता है? तो देखिए, स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है किसी पोजीशन से एग्जिट लेना। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है, कोई शेयर परचेज कर रखा है या सेल कर रखा है, तो उस ट्रेड से आपको बाहर आना है तो आप उसको कहेंगे स्क्वायर ऑफ करना। आपने कोई भी ट्रेड लिया उसको एग्जिट कर दिया, दैट मीन्स यू आर स्क्वायरिंग ऑफ योर ट्रेड। अब सपोज आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, यानी कि आपने सेल नहीं किया, तो एक चीज होती है ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ, जो कि आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे कर देता है जब मार्केट क्लोज होती है उसके 10 से 15 मिनट पहले। ये इसलिए करता है ताकि आप एक्सेसिव लॉस में ना जाएं। अगले दिन आप कैरी फॉरवर्ड तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो जो मार्केट प्राइस है उस समय ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, भले ही वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसे कहते हैं हम ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ। ओके, तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ में बस एक आपका डिसएडवांटेज होता है कि अगर आप इंट्राडे पोजीशन ले रहे हो और आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा, बट उसके जो चार्जेस हैं
वो आपका ब्रोकर आपसे चार्ज करता है जो नॉर्मली आपके स्क्वायर ऑफ करने पे नहीं चार्ज होते हैं। तो अगला जो कॉमनली यूज टर्म है शेयर मार्केट में वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है जानते हैं? स्टॉप लॉस होता है जहां पे हम अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर कम से कम पोजीशन पे उसको होल्ड करना चाहते हैं। तो सपोज आपने इंट्राडे पोजीशन ली है या डिलीवरी पोजीशन भी ली है, डिलीवरी ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपने कोई स्टॉक सपोज आपने 75 पे खरीदना है, यानी कि 75 पे आप उस स्टॉक को बाय करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे 75 पे आप बाय करोगे और 70 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये फैसिलिटी हमें सेबी देता है कि यानी कि आप मैक्सिमम पर शेयर 5 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं बेयर करना चाह रहे हो, तो आप 70 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। तो सपोज आपने 75 पे स्टॉक लिया और आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट वो स्टॉक चला गया और वो डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो 70 पे वो अपने आप आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा ताकि आप अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर सको और अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सको। जैसे कि हमने लास्ट टर्म्स में आपने सीखा कि स्क्वायर ऑफ कर सकते हो आप अपनी पोजीशन, तो आप 70 जैसे ही टच करेगा आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो ताकि आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सको या उसको रिस्ट्रिक्ट कर सको। सेम सेल पोजीशन पे भी यही होता है, आपको लग रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो आपने 75 पे सेल पोजीशन ली और आपको लग रहा है ये नीचे जाएगा, बट सपोज वो 80 तक जाता है तो आप 80 पे स्टॉप लॉस लगा के अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस इज प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। ओके, और स्टॉप लॉस की एक खास बात यह है कि आप इसको लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप वॉलेटिलिटी को जरूर कंसिडर करें। Exactly. हो सकता है कभी कभी आप स्टॉप लॉस को ऐसे ही ट्रिगर कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। तो स्टॉप लॉस अगर आप लगा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो सिर्फ फ्लक्चुएशन की वजह से ट्रिगर ना हो जाए, आप उसको थोड़ा सा नीचे सेट करें यूजुअली ताकि वो आपको प्रॉफिट जनरेट कर पाए रादर देन ट्रिगरिंग एंड लॉस। हाँ, कि मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है वहां पे आपको कि आपने 75 पे गिरा और आपने 73 पे लगा दिया, एटलीस्ट एक मार्जिन पे आप लगाओ ताकि आप बेटर एनालाइज कर सको कि वॉलेटाइल शेयर भी है तो वो थोड़ा सा नीचे जाके शायद फिर से पुश ले और आगे बढ़े। हाँ, वरना हर बार लॉस बुक करके आप वापस आ जाओगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की टर्म की तरफ जो कि है लीवरेज। लीवरेज क्या होता है और उसे मार्केट में कैसे यूज किया जाता है, कौन से ब्रोकर क्या उसे प्रोवाइड करते हैं, आइए जानते हैं। तो लीवरेज एक तरीके से हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। सपोज आपके फंड्स जो हैं जो आपके अकाउंट में है, सपोज आपके पास 1000 है, तो लीवरेज अगर आप यूज करते हैं तो आप उसको 1000 को 1000 की जगह अज्यूम कर सकते हैं 20 times मोर, यानी कि 20,000 तक। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टॉक्स पे और उनकी वॉलिटिलिटी पे। कुछ स्टॉक्स में आपको 20x लिवरेज मिलता है, यानी कि आप 1000 अपने अकाउंट में होते हुए भी 20,000 तक का वो पर्टिकुलर स्टॉक खरीद सकते हैं। और कुछ कुछ शेयर्स पे ये कम होता है जिनमें हाई वॉलिटिलिटी होती है, कभी कभी ये बिल्कुल निल कर दिया जाता है जब कुछ ऐसे डेज होते हैं जैसे कि बजट के एक दिन पहले ये निल कर दिया जाता है यूजुअली ताकि वॉलिटिलिटी का फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा लॉसेज ना हो लोगों को। तो कुल मिला के अगर आप समझें इसको लेवरेज को एक तरीके से, तो ये बोरोड कैपिटल है जो आपकी एक्चुअल कैपिटल को बूस्ट करती है ताकि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएं और उस पर ज़्यादा रिटर्न ले पाएं। तो ये आपका इंट्राडे और डिलीवरी दोनों पे होता है? ये डिलीवरी पे नहीं होता है, ये सिर्फ इंट्राडे पे आपको मिलता है लेवरेज, आपको सेम डे ही करना है सेटलमेंट उसका। तो मतलब इंट्राडे पे ये ऑप्शन आपका ब्रोकर आपको देता है कि आप अगर बोरोड कैपिटल ले सकते हो तो आप ले सकते हो और उसे अपने शेयर्स पे लगा सकते हो। आइए चलते हैं अगले टर्म की ओर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए इनका मार्केट में क्या रोल है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका मार्केट में एक बैरियर का काम करते हैं। तो सपोर्ट वो होता है जब आपकी मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रही है, यानी कि मंदी का जो ट्रेंड है वो फॉलो कर रही है, तो सपोर्ट वहां पे आपका बैरियर का काम करता है कि सपोज आपका एवरेज नीचे आ रहा है तो एक पॉइंट से वो टच करके शायद वो रिवर्सल ट्रेंड फॉलो करने लग जाए। तो यहाँ पे सपोर्ट आपको बहुत सारे 2 level या 3 level पे आपको सपोर्ट्स दिखाए जाते हैं कि मार्केट यहाँ से टकरा के शायद करेक्शन दिखाए, अपवर्ड ट्रेंड फॉलो करने लग जाए। तो सपोर्ट तब होता है जब मार्केट बेरिश होती है और उन पॉइंट्स पे टच करके शायद रिवर्स ट्रेंड फॉलो करे। सिमिलरली रेजिस्टेंस तब होता है जब आपकी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड फॉलो करती है, यानी कि बुलिश ट्रेंड फॉलो करती है, तो उस पॉइंट से टच करके शायद मार्केट फिर से रिवर्सल ट्रेंड फॉलो करे और डाउनवर्ड की तरफ बढ़े। तो ये आपके एक बैरियर हैं जो मार्केट के वॉलेटिलिटी को जज करते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो पॉइंट सेट किए जाते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट की टर्म है ब्लू चिप स्टॉक्स। क्या होते हैं वो स्टॉक्स और कौन कौन सी कंपनीज इसे लॉन्च करती हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए जब
जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जब उनके स्टॉक्स आते हैं मार्केट में, या फिर जो बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं उनके जो स्टॉक्स होते हैं, जिन पे इन जनरल हमें ज़्यादा भरोसा होता है कि ये एक स्टेबल इनकम हमें जनरेट कर दे करके देंगे ओवर द ईयर्स, वो हमारी होती हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ही कॉमनली आप सुने होंगे, जैसे आपने सुना ही होगा मारुति सुजुकी का स्टॉक। एक बिगिनर को भी इनके बारे में पता होता है कि ब्रिटानिया का स्टॉक है, मारुति सुजुकी का स्टॉक है, टीसीएस का स्टॉक है, इंफोसिस है, ये सब बहुत ही पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं। इनपे एक अलग से एक भरोसा सा होता है, इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी होती है, इनके रिटर्न अच्छे होते हैं, भले इनकी ग्रोथ स्लो होती है लेकिन स्टेडी रहती है, ब्रांड है, राइट राइट, ये आपको जल्दी निराश नहीं करेंगे कभी। तो वो होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, इनमें इन्वेस्ट करना हमेशा एक फायदेमंद डील रहती है। तो मतलब एज अ बिगिनर ये हम कह सकते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके लिए एक लेस रिस्की फॉलो करने के लिए। एग्जैक्टली, आप इसमें रिस्क आपका बहुत कम रहता है। ओके, अगला जो टर्म है वो है पोर्टफोलियो। आइए जानते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है स्टॉक मार्केट में, और एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो बेसिकली आपकी जो करेंट होल्डिंग्स होती हैं उनकी पिक्चर एक रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो आपने अलग अलग स्टॉक्स में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के अंडर इन्वेस्ट कर रखा है उनकी वैल्यू शो करता है, करंट वैल्यू भी शो करता है और इन्वेस्टेड वैल्यू भी शो करता है। कायदे से जो आपका पोर्टफोलियो वो आप ऐसे डिजाइन करोगे कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन उसमें हो तो आपके लिए लेस रिस्क पोजिशन पे वो आपको फायदेमंद होता है। यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर के अगर आपने स्टॉक्स ले रखे हैं और ऑन एन एवरेज सब में इन अराउंड सेम वैल्यूज आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके लिए लेस रिस्की रहता है। तो पोर्टफोलियो आप ऐसा डिजाइन करो जो आपको अलग अलग रिटर्न्स दे अलग अलग सेक्टर्स में, क्योंकि आप जानते हो कि किसी सेक्टर्स में कभी बूम रहता है, किसी सेक्टर्स में कभी डाउनफॉल रहता है। तो अकॉर्डिंगली आप अलग अलग सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा होगा और आपको एक बेटर रिटर्न भी देगा। ऑलराइट, जैसा कि हमने सुना ही है ग्रेट वॉरेन बफेट से कि नेवर इन्वेस्ट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एग्जैक्टली, तो वही आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखें, यस, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो। आइए डिस्कस करते हैं आज के हमारे लास्ट की टर्म की, जो कि है वॉलेटिलिटी। तो क्या होता है ये और इसे मार्केट में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, वॉलेटिलिटी आप डिफाइन कर सकते हैं एक शेयर प्राइस के मूवमेंट से। अगर उसका मूवमेंट बहुत ही रैपिड है, दैट मीन्स वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है अप एंड डाउन, दैट मीन्स उसकी वॉलेटिलिटी हाई है। वहीं अगर वो बहुत स्टेबल है, थोड़ा स्लाइड मूवमेंट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी वॉलेटिलिटी लो है। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनके वो हमेशा चाहते हैं कि एक शेयर की वॉलेटिलिटी हाई रहे, क्योंकि जब हाई रहेगी तभी तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। एग्जैक्टली, तो इंट्राडे के लिए बहुत राइट यूजफुल रहता है, इंट्राडे में बहुत यूजफुल होता है ट्रेडर्स के लिए। वो चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी हाई रहे हर शेयर पे जो उन्होंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। तो यानी कि ये फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में जो ये रिफ्लेक्ट करता है, और इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद नहीं होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ट्रेडर के लिए ये बहुत यूजफुल चीज है जो इंट्राडे के लिए ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई और टर्म्स अगर सीखना चाहते हो तो वो भी हमें बताएं। हम ऐसी फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाते रहेंगे शेयर मार्केट से अपडेट से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्टॉक मार्केट सीरीज को आगे और बढ़ने के लिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।